केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और धोखा देने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री मुंबई के दौरे पर है। सोमवार को लालबाग का राजा गणपति के दर्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के छोटे होने का कारण खुद उद्धव ठाकरे और उनकी सत्ता का लालच है, बीजेपी नहीं। अमित शाह ने कहा कि राजनीति में जो लोग धोखा देते हैं उन्हें सजा देनी ही चाहिए। आज मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमने कभी उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। उद्धव ठाकरे ख्याली पुलाव पका रहे थे। गौरतलब है कि जून में शिवसेना से बगावत कर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था।